हेलो गाइस, तो फाइनली नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने प्लान्स जो है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, मतलब प्लान्स का जो प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया है। तो उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये सारे प्लान्स हैं नेटफ्लिक्स के। यहाँ पे शायद से पहले प्रीमियम वाला प्लान जो है वो 899 का था। मैं नेटफ्लिक्स खुद पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, पर आप में से अगर कोई यूज़ करते हैं तो आप बताना कि प्रीमियम प्लान कितने का था। शायद 899 का था, जो कि अभी आपको 649 का मिल रहा है। हालांकि इसमें कुछ कैचेस भी है, वो भी आपको मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले तो प्लान्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या प्राइजेस और क्या क्या प्लान्स है। सबसे पहला प्लान इन लोगों ने मोबाइल प्लान रखा हुआ है, सेकंड बेसिक है, थर्ड स्टैंडर्ड है और फोर्थ जो है वो प्रीमियम प्लान इन लोगों ने रखा हुआ है। तो फर्स्ट प्लान की बात करें तो फर्स्ट प्लान में 149 रुपीज़ है और इसके अंदर रेजोल्यूशन की बात करें तो सिर्फ आपको 480p का रेजोल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो क्वालिटी इन लोगों ने 480 रेजोल्यूशन को गुड बताया हुआ है और दो प्लेटफॉर्म्स पे आप इसको देख सकते हो, मतलब आपके पास अगर टैबलेट है या स्मार्टफोन है तो दोनों प्लेटफॉर्म पे 149 का प्लान अगर आप लेते हो तो आप व्यूविंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे के साइड में बहुत ही फाइन प्रिंट, मतलब येलो में मैंने मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 डिफरेंट डिवाइसेस पे आप एक साथ देख सकते हो अगर आपके पास प्रीमियम वाला प्लान है, मतलब 649 रुपीज वाला जो प्लान है वो अगर आपके पास है तो आप 4 डिवाइस पे साइमल्टेनियसली देख सकते हो। मतलब अगर फिफ्थ वाला पर्सन इसमें लॉग इन करता है, हालांकि प्रोफाइल आप 5 बना सकते हो वो मेरे को पता है, पर प्रोफाइल 5 जो है उसमें जब 5ों एक साथ लॉग इन करते हैं तब नहीं हो पाता है, सिर्फ 4 लोग जो है वो एक साथ लॉग इन कर सकते हैं। तो ये कैच है इसके अंदर। ऑल्सो स्टैंडर्ड प्लान की बात करें जो कि 499 का है, 500 रुपये पर मंथ का प्लान है। इसमें आप सिर्फ 2 जो है वो साइमल्टेनियसली व्यू कर सकते हो, मतलब अगर आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंडर्ड प्लान में डिवाइसेस कितने बताए हुए हैं, फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर एंड टीवी। मान लो आपके पास फ़ोन है, आपके कोई फैमिली मेंबर पास टैबलेट है, दूसरा कोई आपका फैमिली मेंबर रूम में कंप्यूटर पे नेटफ्लिक्स लॉगिन कर रहा है और एक हॉल में कोई लॉगिन करके टीवी पे बैठा हुआ है, तो चारों पे अगर साइमल्टेनियसली स्टैंडर्ड प्लान आपका है नेटफ्लिक्स का और चारों ने अगर लॉगिन किया तो सिर्फ इसमें 2 ही लोग जो है वो देख पाएंगे, या तो फ़ोन वाला देख पाएगा या टैबलेट वाला देख पाएगा, मतलब फ़ोन टैबलेट, टैबलेट कंप्यूटर, वाइस वर्सा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये चारों में से कोई भी 2 लोगों को जो है वो आपको साइमल्टेनियसली व्यूइंग का एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे मिलने वाला है। पर अगर आपके पास बेसिक एंड मोबाइल प्लान है इसमें तो और भी गलत चीज़ें, मतलब आपको सिर्फ एक ही स्क्रीन का इसमें एक्सेसिबिलिटी मिलता है, मतलब यहाँ पे तो क्वालिटी भी बेकार है, मतलब 480p। अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ भी देखते हो तो मैं भी करंटली अगर मेरे पास थोड़ा सा लो इंटरनेट डाटा बचा हुआ है या फिर मेरा जो नेट है वो स्लो चल रहा है किसी दिन तो ही मैं 480p पे देखता हूँ या फिर 720p देखता हूँ, नहीं तो मोस्टली मेरा जो व्यूइंग रहता है वो अराउंड 720 या फिर 1080p पे व्यूइंग रहता है। मतलब यूट्यूब वीडियो ही हम लोग 720 या 1080p में देखते हैं, तो 480p में आपको बहुत ही गंदा क्वालिटी दिखने वाला है। मतलब अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है 720p पे वीडियो या 1080p पे वीडियो तो आपको 480p जो है वो काफ़ी बेकार लगने वाला। एक टाइम था जब हम लोग भी, मतलब मैं पर्सनली भी 360p में वीडियोज देखता था, उसके बाद में 480p पे मैंने शिफ्ट किया, पर जब भी मैं 720p और 1080p पे अभी वीडियोज देखता तो मेरे को ये 480 वाला जो रेजोल्यूशन वाला वीडियो रहता है वो काफी ब्लरी और ग्रेनी वगैरह अजीब टाइप का दिखता है। तो ये कैच है इसके अंदर, मतलब स्क्रीन्स तो आपके पास है पर उसमें व्यूइंग जो है वो आपको कम मिलने वाला है। मतलब आपको प्लान के बारे में अभी टोटल आइडिया आया होगा। प्रीमियम भी अगर आप लेते हो तो साइमल्टेनियसली 4 ही लोग देख पाओगे और आपके पास स्टैंडर्ड रहेगा तो सिर्फ 2 ही लोग देख पाएंगे और मोबाइल एंड बेसिक रहेगा तो सिर्फ एक ही बंदा देख पाएगा। हालांकि स्क्रीन्स यहाँ पे जो 3 प्लान है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, इस पे आपको 4 स्क्रीन्स मिल रहे हैं, मतलब फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर एंड टीवी। सिर्फ मोबाइल में आपको 2 स्क्रीन्स मिल रहे हैं, पर आपको पूरा पोटेंशियल अगर यूज़ करना है तो आपको प्रीमियम प्लान ही लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर आपको 4K प्लस HDR का सपोर्ट भी है और 4 स्क्रीन्स भी आपको मिलने वाले। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो, मतलब ये फेवरेट स्पॉट या एवरेज प्लान मेरे को लगता है 499 वाला, पर यहाँ पे भी वही कैच जो मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 स्क्रीन्स मिलेंगे। तो अगर आप 499 का लेते हो तो आपको 1080p मतलब वीडियो रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा मिलेगा और ये ओवर पावरिंग भी नहीं है, मतलब 4K ऑब्वियसली सबके पास 4K टीवीज़ या लैपटॉप्स या टैबलेट
टैबलेट्स या कंप्यूटर नहीं होते तो 4K तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पर 499 मतलब 500 रुपये पर मंथ वाला भी अगर आप प्लान लेते हो तो उसमें भी आपको भले ही 4 स्क्रीन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टीवी, पर व्यूइंग जो साइमल्टेनियसली कर सकते हो वो सिर्फ 2 ही कर सकते हो, जैसे मैंने ये येलो में हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो ये कुछ कैच है ये प्लान्स में। हालांकि प्लान्स के प्राइस रिड्यूस हुए जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है, पर फिर भी मेरे को अभी भी ये एक्सपेंसिव लगता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो क्या आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो या नहीं करते हो? मैं पर्सनली नेटफ्लिक्स नहीं यूज़ करता हूँ, मैं अमेजन प्राइम सर्विसेज जो है वो यूज़ करता हूँ। ऑल्सो आपको और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, अमेजन प्राइम सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। तो मतलब पहले साल का 999 का मिलता था नॉर्मल वाला जो प्लान है, जिसके अंदर आपको अमेजन म्यूज़िक, अमेजन वीडियोज़ एंड अमेजन डिलीवरीज जो है वो मिलता था। तो अभी वो शायद 1499 का हुआ है, और बीच बीच में जो वो लोग हैं ऑफर्स निकालते रहते हैं, तो बीच में एक ऑफ़र भी आया था कि आप अभी भी 999 का या फिर 899 का ले सकते हो साल का। तो तभी मैंने उसको सब्सक्राइब करके रखा था, पर शायद अगले साल से जब अक्टूबर में मेरा रिन्यू रहता है तो शायद मेरे को 1499 का पे करना पड़ेगा। पर हालांकि वो 1499 का भी मेरे को वर्थ लगता है, क्योंकि अमेजन प्राइम मूवीज़ भी मिल जाते हैं, म्यूज़िक भी मिल जाते हैं, ऑल्सो डिलीवरी में भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो वो मेरे को कंपेयर टू एनी अदर OTT प्लेटफॉर्म्स वो वैल्यू फॉर मनी या फिर बजट में लगता है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अमेजन प्राइम यूज़ करते हो या वो भी आप यूज़ नहीं करते हो, या कौन से OTT प्लेटफॉर्म्स को आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वो सारा आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, आपके लिए ओपन रखा हुआ है। ऑल्सो अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्किन साइंस, मामा से कुछ भी बाय कर लेना। आपको ये प्लान्स के बारे में इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया तो उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक दे देना। अगर नहीं पसंद आ रहा है इन्फॉर्मेशन तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, और अमेजन से कुछ ना कुछ चॉकलेट्स, विकलेट्स जो भी बाय करना है बाय कर लेना। ये खुशखबरी में अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करना चाहते हो तो उसका प्राइस कम हो गया है, तो ये खुशखबरी में चॉकलेट्स विकलेट्स मंगा लो आपके लिए। ऑल्सो अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब पर क्लिक करो, वो बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो उसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी ऐसे वीडियोज आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो हर वीडियो को अभी हम लोग लाइक्स का एम भी रखते हैं, तो 100 लाइक्स का एम ये भी वीडियो को है, तो फटाफट से उसको भी कंप्लीट करवा देना। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।